फ्री का रेवड़ी बांट रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? अभी पंजाब में 3 लाख करोड़ कर्जा है, उनका सजा देंगे। उन्होंने कहा था सजा देंगे। केजरीवाल नहीं, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। आम आदमी वो बोले थे मैं चलूंगा। फ्री में बांटते जाओ, बांटते जाओ। पाकिस्तान की तरफ भीख मांगो, कल कटोरा लेके इंडिया का आदमी भीख मांगेगा। केजरीवाल से पूछे दिल्ली के अंदर कितने करोड़ों लोग कर्जे की वजह से आत्महत्या कर ले, आप लोगों का कर्जा क्यों नहीं माफ करते? अब फ्री में क्या क्या चीजें बांटते हो? इनके बाप का पैसा नहीं होता भाई साहब, ये हमारे तुम्हारे टैक्स का पैसा। 45 करोड़ रुपए का बंगले में लगा दिया, 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना। इनको पूछे मेहनत करके, ये 2 टन बच्चों की रोटी नहीं गिरा सकते। हम इनसे कई बार चैलेंज से बहस करते, आपके गिरबान में अपनी झाँकते नहीं, दूसरों को अनपढ़ कहते हैं, घबार कर। पहले आप अपने, आप न पढ़े लिखे अनपढ़ घबार सबसे बड़ा केजरीवाल चोर है, एक नंबर की चोर सरकार है। अभी मुख्यमंत्री के लिए आपस में लड़ गए, आपका पार्टी जीत गया, आप सरकार चलाते ठीक से, आप जो वादा किया जनता से उसको लागू करते, आप आपस में लड़ रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो कि मतलब मेरे को वोट दो, मेरा सरकार बन जाए, उसके बाद खुद आपस में लड़ाई, कुर्सी मेरे को चाहिए तो मेरे को चाहिए। ये कौन सी पार्टी है, क्या कर रहे हो भैया? यही पे राहुल गांधी पप्पू बन गए और फिर से आप जनता को पप्पू बनाने चले हो। ठीक है, कर्नाटक में बना लिए हो, फिर बना लोगे? अरे कर्नाटक के भरोसे 24 जीतेंगे? हवा आ गई है, लहर आ गई, बहुत बढ़िया लहर आ गई है कि एक बार जीत गए। अभी तो मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर दो दो दावेदार, तीन तीन दावेदार, अभी तो और एक बोल दिया कि हमको भैया उप मुख्यमंत्री बनाओ। ऊपर से वो क्या संगठन है मुस्लिम का, वो बोल दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, ये मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नहीं नहीं एक मिनट भैया, वो बोले कि मैंने वोट दिया, मेरे को ये मंत्रालय चाहिए, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, मैं कांग्रेस को वोट किया, मेरे को ये मंत्रालय चाहिए। वो जब एक तो मुख्यमंत्री का एक तो स्टेट नहीं संभाल पा रहे हैं जीतने के बाद, ये 20 दल के साथ गठबंधन बनाएंगे 24 में और प्रधानमंत्री के लिए 50 दावेदार खड़ा करेंगे। भाई साहब अच्छे सुनिए, अगर उन्होंने वोट दिया है, कुछ लोगों का मानना है 90% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है और उस वोट के बदले वो मांग रहे हैं, तो गलत बात क्या है? गलत बात नहीं है ना? राजनीति में सबसे पहले ये चीज होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी रहे, देश हित सर्वोपरि, उसके बाद आप, मैं वोट दिया, मैं फलान जाति का हूँ, मेरे गांव में पंचायत में मैं बड़ा हूँ, मेरा जनसंख्या बड़ा है, तो भैया मुखिया की कुर्सी मेरे को ही चाहिए, प्रधान का कुर्सी मेरे को ही चाहिए, ये कोई बात हो? कोई एक छोटा जाति का है, कोई भी रहे, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका समर्थन होना चाहिए। जब तक ये देश का आदमी इस चीज़ को नहीं सेट करेगा अपने माइंड में, तब तक ये देश संभलने वाला नहीं है। अब क्या लगता है इन सब चीजों का 24 पर क्या असर होगा, कौन होंगे प्रधानमंत्री देश के? नरेंद्र मोदी छोड़ के कोई नहीं हो सकते हैं। आज के डेट में सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, नरेंद्र मोदी छोड़ के कोई नहीं कर सकते हैं, और कोई चेहरा है ही नहीं, है ही नहीं। यदि विपक्ष जीत भी गई, मान के चलिए जीत गई, आज एक मुख्यमंत्री के लिए वहाँ फाइट चल रहा है, कल प्रधानमंत्री के लिए क्या फाइट होगा? पाकिस्तान जैसा हाल हो सकता है। पाकिस्तान क्यों याद आ जाता है? नहीं नहीं, अभी पूरा दुनिया को मतलब हर कोई सोशल मीडिया, ये मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, फलान मीडिया, सब कुछ देख रहा है पूरा दुनिया, वहाँ का क्या स्थिति है, वहाँ का क्या स्थिति है, रूस यूक्रेन का क्या स्थिति है, पूरा दुनिया पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब कुछ तो देख रहा है ना, तो मतलब उस हिसाब से पाकिस्तान में चले जाते हैं। क्या नाम? लॉकडाउन, मेरा मोहम्मद आजाद कुरैशी। उससे पहले क्या हुआ कि नोटबंदी जो करवाए थे, लाखों लोग मरे, ठीक है, उसके बाद और फिर ये अगला चुनाव आने वाला है, फिर 2000 का है, कैसे नहीं आके बताइए कैसे मरे? आप कह रहे लोग मर गए नोटबंदी से, ये गलत बात मत बोलिए, ना 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 ना, ये गलत बात मत बोलिए, नहीं 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 नहीं, ये गलत बात नहीं, नान में लाइन में लग के भैया ऐसे भी चलते चलते हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहा है आदमी, और कोरोना के टाइम में ऐसे बुखार से मर गया, वैसे मर गया, बूढ़ी बूढ़ी औरत लोग लगी थी कोरोना के टाइम से, क्या मतलब बुखार आ रहा है आदमी को, क्या
सर्दी खांसी आ रही है क्या? मतलब नोटबंदी हो गया आदमी मर गया? नहीं नहीं, ये गलत डिफिनेशन मत दीजिए। मुसीबत हुआ है सारे लोगों के साथ। मुसीबत हुआ है, परेशानी झेले हैं, उसी मुसीबत में मर गए हैं, उसी मुसीबत में मरे हैं भाई। आप दीजिएगा नोटिस किया दिन भर आदमी इतना टेम्परेचर है, लाइन लगा रहता है दिन भर, कितना आदमी मर रहा है रोड पे अभी? नहीं दीजिए, कितना आदमी मर रहा है भाई साहब, अभी बताओ। मैं इनसे जवाब पा सकता, हम कह रहे हैं हमने उस टाइम नोटबंदी का विरोध, भाई साहब कितनी ब्लैक मनी थी हमारे पास तो कोई ब्लैक मनी नहीं थी। एक जो सर्कल में था उन्होंने नोटबंदी करी। अब ये जो 2000 रुपए का नोट, आपके घर में कितने 2000 रुपए के नोट है? आप क्यों लाइन में लगेंगे? ये मेरा कहने का मतलब, ये जो लाठी चली है ये बड़े सौकारों पर चली है, गरीब आदमी वो नॉर्मल नहीं है। आपके जेब में 10000 रुपए नहीं हो, एक भी पब्लिक खड़ी है 2000 का नोट निकालो, एक 2000 रुपए का नोट है ना, ये सारे भाई साहब करप्शन पे मार पड़ेगी। जो ये पैसा हम लोग 5 करोड़ रुपए का मकान ले, आप कह रहे कि ये भी बंद होना चाहिए 500 का भी नोट, तो रोड तो भीख मांगने लगेगा यार, कैसे भी होगा भाई साहब? ऑनलाइन चाहिए ना, आप ऑनलाइन पे 10 पैसे का पानी पीते वो भी आप ऑनलाइन करते, बहुत बढ़िया। आपके लिए जेब कटनी बंद हो गई है। खुराना साहब, क्या लगता है कि लगातार प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहा जा रहा है, ये कितना सही है प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल? देखिए, मैंने आपके कई चैनलों पर बहस करी है इस मामले में पहले भी। हमने एक अपनी एक लैंग्वेज राजनीति थर्ड क्लास लैंग्वेज पे आ गए हम लोग। हम लोगों को अनपढ़, गवार, जाहिल और ये चीज़ें जो कहने से पहले हम लोग ये नहीं सोचते कि ये इंटरनेशनल मीडिया हमारा बाहर भी देखते होंगे लोग। हम अपना जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, मैं पक्का विरोधी हूँ, एक नंबर का बीजेपी का विरोधी हूँ, मगर हम अपने प्रधानमंत्री जी के लिए गलत शब्द यूज नहीं कर सकते, किसी कीमत पे भी यूज नहीं कर सकते। वो किस पद पे बैठे हैं, 140 करोड़ जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, आप अनपढ़, गवार, जाहिल ऐसी भाषा को यूज करते तो ये अच्छा नहीं लगता है। मैं इनसे केजरीवाल जी से पूछता हूँ, एक अनपढ़ पूरे करोड़ों रुपये का बिजनेस कर सकता है? अगर आप उनको अनपढ़ कह रहे हैं, और वैसे कुछ ऐसा है नहीं जो 8 साल से सरकार चला रहे, इतने बड़े बड़े मुद्दों को उन्होंने हल करा है, तो इनको आप अनपढ़ कैसे कह सकते? मैं तो कहता हूँ सबसे अनपढ़ गवार जाहिल तो ये पढ़ा लिखा हुआ केजरीवाल है, ये कहने का मेरा मतलब। केजरीवाल कैसे अनपढ़ है? केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं, अधिकारी रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कैसे अनपढ़ है? ऐसे अनपढ़ है सर, इनके जो पढ़े लिखों को अगर ये राजनीति में आए हैं, पढ़े लिखे होने के कारण ये इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो कि एक अनपढ़ आदमी भी नहीं कर सकता। इनसे मैं तब सवाल पूछता हूँ, आप अपनी गिरबान पे झांक के देखिए कि आप दूसरों को अनपढ़ कहने से पहले अपनी गिरबान पे झांक के देखिए, आपके दो दो मंत्री तिहाड़ जेल में बैठे, जमानत तक नहीं मिल रही है। ये भ्रष्टाचार लोग हैं जो ये पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी हैं, वो अनपढ़ गवार है। हमारे लिए अब प्रधानमंत्री अच्छा है, हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत लैंग्वेज नहीं सुन सकते, ये कहने का मतलब। अरे 2000 का नोट लाए थे तब भी मास्टर स्ट्रोक था, काला धन वापिस आएगा, 2000 का नोट बंद कर दिया तब भी मास्टर स्ट्रोक है, ये सारे ही मास्टर स्ट्रोक है क्या प्रधानमंत्री के? देखिए, मैं ना सबसे पक्का बीजेपी विरोधी हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को ना आज तक जो कभी नहीं करा, मैं उसको उनको पहली बार सलूट करता हूँ आपके कैमरे पे। अच्छा। ये इन्होंने इतना अच्छा काम करा है 2000 रुपये का नोट बंद करके, जो पहले इन्होंने लॉकडाउन करा था, नॉर्मल गरीब आदमी मरा था, लाइनों में लगा था, 10000 रुपये भी निकाल दिए, वो हम लोग उसके विरोध में अभी भी हमें याद आते दिन तो हम। मगर ये जो 2000 का नोट बंद करा है, मैं इनके लिए बार बार सलूट कर दो। ये किन के ऊपर मार पड़ी है? ये जो करोड़ोंपति है, सबसे बड़ा पैसा ब्लैक मनी किसके पास होता है भाई साहब? 5 करोड़ 10 करोड़। मैं नरेंद्र मोदी से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो ब्लैक मनी है ना, ये ब्लैक मनी निकलेगी नहीं, ये सारा गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट, ये प्राइवेट जो फाइनेंसरों के पास पैसा 10-10% ब्याज पे, 20-20% ब्याजों पे लोगों ने लगा रखा है इसके ऊपर। हाँ, ये नोटबंदी होने से हमारा जो भ्रष्टाचार है, हो सकता है इस पर कंट्रोल हद तक है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अब जो डिजिटल पेमेंट है, ये 500 नोट भी बंद कर दीजिए, 50-100 रुपये से ऊपर नोट ही नहीं होना चाहिए। अब तो ऑनलाइन है, सबके पास फोन होता है, तो ये नोटों की करेंसी बंद करके आप ऑनलाइन का सिस्टम चालू कीजिए, इससे भ्रष्टाचार बहुत कंट्रोल में होगा, ये मेरे कहने का मतलब। भ्रष्टाचार कंट्रोल हो जाए नोट बंद होने से,
कैसे कंट्रोल होगा, जिसने करना है वो तो करता रहेगा, तरीके और भी। ऐसा है भ्रष्टाचार, आप ऑनलाइन करके दिखाइए ना, आपका गवर्नमेंट की निगाह में आएंगे, बैंक के सामने आएंगे। आज मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ तो आपके अकाउंट में शो होता है, ये 10 लाख रुपए कहाँ से आया? आपसे गवर्नमेंट पूछ सकती है, बैंक पूछ सकता है, आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। ये कैश पैसा आपका कहीं भी है, जहाँ पे पत्थर चल रहे थे अब भी चल रहे हैं, पैसा अब भी पहुँच रहा है हवाले से, क्यों लिया? आप करेंसी बंद कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन आप देखें लगातार जैसे अब विपक्ष पूरा का पूरा हैवी हो रहा है प्रधानमंत्री को लेकर, कहते हैं जब नोट बंदी की थी कहते काला धन वापस आएगा, प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक था। अब जब 2000 का नोट बंद किया कहते रिजर्व बैंक ने नोट बंद किया है। कोई चीज़ होती है बढ़िया हो जाती है तो प्रधानमंत्री का नाम ले देते हैं, नहीं होती तो किसी और का नाम ले देते हैं। नहीं देखिए, विपक्ष का काम तो हर मुद्दों को, चाहे वो छोटा से भी अच्छा काम करेंगे उसको भी गलत कहेंगे। हमने आपके कैमरे में बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पक्का बीजेपी विरोधी हूँ। जहाँ पे बीजेपी अच्छा करती है हम उनको सल्यूट भी करते हैं, मतलब कोई पार्टी अच्छा कर रही है तो उसके समर्थन में भी, ऐसा नहीं है कि हम चीज़ें सारी जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, जो चीज़ वो अच्छी कर रहे हैं तो उनके लिए हमें सल्यूट भी करना चाहिए। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा करा 2000 का नोट। भाई साहब ये पब्लिक खड़ी किसकी जेब में 2000 का नोट है, मुझे बताइए ना, एक भी आदमी हरा हाथ खड़ा करता है कि मेरी जेब में 2000 रुपए का जो नोट है वो बड़े लोगों के पास होगा और बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे करप्शन में कमी आएगी। अब एक साल बाद देखना, अभी 4 महीने का मोदी जी ने टाइम दिया, मुझे ये लग रहा कि पैसा बाहर आएगा नहीं 2000 बाद। ये सारा लोग जो 2 नंबर वाले होते गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ये लोग, 2 नंबर का जो पैसा 5 करोड़ रुपए घर में नहीं रखेंगे, ये 5 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में लगाएंगे, 5 करोड़ का गोल्ड खरीदेंगे। ये मेरे कहने का मतलब है।